जय हिंद सभी मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारी YouTube चैनल UHQ आर्मी जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि राजरिप रेजिमेंट सेंटर में मांगा गया है। और उसमें भाई कम से कम 70 से 80% बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया था उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भाई। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए, कैसे वो बनेगा, उसका फॉर्मेट हमें किस टाइप से बनवाना है, पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर किसी भी तरह का आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स पूछ सकते हो भाई। ठीक है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर देना भाई। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ फॉर्मेट जो उनमें तीन जो फॉर्मेट मांगे गए हैं उनमें से एक फॉर्मेट ये है जो कि आप देख सकते हो। इस फॉर्मेट को सेल्फ सर्टिफिकेट या सेल्फ एफिडेविट बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये एफिडेविट की कैसे फिल आपको करना है वो भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप इस फॉर्मेट को देख सकते हो, ये दोनों फॉर्मेट आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे। दो पेज आपको यहाँ पे मिलते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, और कहाँ कहाँ पे आपको डिटेल भरनी है, कहाँ नहीं भरनी है, और किस से आपको यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर लगवानी है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मोहर की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ नोटरी। तो यहाँ पे नोटरी मतलब वकील के आपको साइन चाहिए होंगे, उसकी आपकी यहाँ पे मोहर होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे आपके खुद के साइन यहाँ पे होने चाहिए भाई। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे जैसे कि इस फॉर्मेट को फिल कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भाई फॉर्मेट तो है हमारे पास, बट इसको फिल कैसे कराना है, इसको भरवाना कैसे, वो हमें बता दीजिए। तो भाई यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने ग्रुप में भेजा था अपना बना हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपका जो ये सर्टिफिकेट बनेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई PDF इसकी भेज दीजिए। भाई PDF भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपका स्टैम्प पेपर आएगा 10 रुपये का, कुछ इस टाइप से आपका जो स्टैम्प पेपर दिखाई देगा, इस पर आपको वो सभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको वो लिखवाने हैं, वो आपका प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे आपको टाइपराइटर के द्वारा ये लिखवाने हैं, कंप्यूटर के द्वारा भाई। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, और बाकी यहाँ पे उसकी पर्सनल डिटेल मैंने हिडन कर दी है, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हो। इस टाइप से आपको भरना होगा। फिर जो इसका सेकंड पेज है वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं, कुछ इस टाइप से सेकंड पेज रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो भाई। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इस फॉर्मेट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख के अपना इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो भाई। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, हर सेंटर में इसकी ज़रूरत होती है, आपको बता दें, और अदरवाइज़ नहीं तो आपको सेंटर द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।